नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ कंचन। विधानसभा चुनाव को देखते हुए आचार संहिता कल से पूरे प्रदेश में लागू हो चुकी है और उसी कड़ी में देर रात चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसी कड़ी में क्राइम ब्रांच और आज़ाद नगर पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए आरोपी दानिश मोहम्मद को पकड़ा। उसके पास से 4 पिस्टल पुलिस ने जब्त की है। वहीं पकड़े गए आरोपी से जब पूछताछ की गई तो उसने आसिम सिंह, जो कि खरगोन का रहने वाला है, उसे लेकर आना बताया है। वहीं आसिम सिंह के बारे में जब जानकारी निकाली तो उसके बारे में जानकारी सामने आई है कि वो खालिस्तान को अवैध रूप से हथियार उपलब्ध करवाता है, जिसकी पिछले साल गिरफ्तारी भी हुई थी और पूरे ही मामले में जाँच पड़ताल की जा रही है। वहीं आसिम के बारे में विभिन्न जानकारी निकलने के बाद आरोपी दानिश और आसिम के जो भी सदस्य अवैध हथियारों की तस्करी में सक्रिय हैं उनकी धरपकड़ की जा सकती है। फिलहाल पूरे ही मामले में पुलिस पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ करने में जुटी हुई है और जल्द ही इस पूरे मामले में आरोपी कुछ और बड़े खुलासे करने की बात भी कह रही है। तो वहीं जिस तरह से विधानसभा चुनाव नज़दीक आते ही जिस तरह इंदौर में खालिस्तान से जुड़े हुए आरोपी को हथियार लाकर इंदौर में वो हथियार किन कारणों के चलते लेकर आया था, इसके बारे में भी जाँच पड़ताल की जा रही है। क्योंकि विधानसभा चुनाव काफ़ी नज़दीक हैं और जिस तरह से अवैध हथियार को लेकर इंदौर में आरोपी आया हुआ था उसके कई अनुमान भी लगाए जा सकते हैं। चुनाव के मद्देनज़र सभी को पता है कि कल से जो मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट है या आदर्श आचार संहिता लगी हुई है, इसी के परिपालन में पूरे इंदौर क्षेत्र में विभिन्न जगहों पर स्टैटिक सर्वेलेंस टीम्स, फ्लाइंग स्क्वाड्स इत्यादि का गठन किया गया है, जिससे कि चुनाव भयपूर्ण वातावरण में हो सके और यहाँ पर किसी भी प्रकार से अवैध शस्त्रों, अवैध ड्रग्स, इस चीज़ की तस्करी पर रोक लगाई जा सके। इसी के चलते कल क्राइम ब्रांच और थाना आज़ाद नगर के द्वारा एक संयुक्त कार्रवाई की गई, जिसमें आरोपी दानिश मोहम्मद, जो कि देवास का रहने वाला है, उसके पास से 4 जो हथियार होते हैं पिस्टल्स, वो बरामद हुई है। इसमें जब उससे पूछताछ की गई तो उसके द्वारा जो सोर्स बताया गया जहां से वो लेके आया है उसकी तस्दीक की गई, तो उसमें एक और आरोपी जो इस प्रकरण में बनाए गए हैं आसन सिंह, जो कि खरगोन के रहने वाले हैं। इसमें मुख्य बात एक जो पता चली वो ये थी कि आसन सिंह जो हैं उनको पिछले साल भी लगातार कार्रवाई करते हुए इंटेलिजेंस ब्यूरो और खरगोन पुलिस ने जब कार्रवाई की थी तब भी इनका नाम, जो खालिस्तानी संगठन है उनको आर्म्स, अवैध रूप से आर्म्स सप्लाई करने में इनका नाम आया था, जिसमें इनकी पिछले साल भी गिरफ्तारी हुई थी। लगातार टीम्स इनकी सूचना पर काम कर रही हैं और बहुत जल्द ही इनसे संबंधित इनके गिरोह के जो और अन्य सदस्य हैं उनको भी गिरफ्तारी की जाएगी। सर, जो खालिस्तान से जुड़ा हुआ आरोपी है, क्या उसके बारे में उसको भी गिरफ्तार किया है? इसमें जो आसन सिंह सीतापुरा भगवानपुरा खरगोन के रहने वाले हैं, इनके संबंध में अभी पहले खरगोन पुलिस के पास टीम पहुंची हुई है, वहां से पूरी जानकारी एकत्रित कर रही है कि पिछले बार के जो प्रकरण थे और जो सूचनाएं मिली थी वो किस प्रकार थी, इनके गिरोह में और कौन से लोग थे, और उसी के बाद जब वहां से पूरी सूचना एकत्रित हो जाएगी उसके बाद तफ्तीश करके कुछ सदस्य इसके जो हैं वो हिरासत में हैं, उनकी हम रिमांड लेके उनको लेके आएंगे और उनसे पूछताछ करेंगे, और कुछ सदस्य जो अभी फरार चल रहे हैं उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर, लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें।